الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز السامعين الكرام آج جماعت الأخرى 1442 हिजरी की 22 तारीख है 5 फरवरी 2021 20वीं तारीख है। आज के जुम्मा के बयान के अहम उनवानात और इक्तबासात ये हैं। मुसलमानों की जो तबाही बर्बादी और तनज़्ज़ुली हुई है उसके बहुत सारे असबाब हैं। उसमें एक सबब यह भी है कि मुसलमान अपना जो मीडिया है जुमा के बयानात और जुमा के खुतबात उस मीडिया से काफी दूर हो चुका है। जुमा के बयानात की अहमियत क्या है और इस मीडिया का कितना पावर है, कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है। उलमाए किराम जो नबी के वारिस हैं उनका इसमें किरदार क्या होना चाहिए और आज क्या हो रहा है। दूसरे नंबर पर एक अहम तरीन मसला है, वो मसला हमारे अकाबिरीन बिलखसूस हजरत थानवी रहमतुल्लाही अलैह बहुत ज्यादा इसकी ताकीद किया करते थे। मुसलमानों के जो मियां बीवी के ताल्लुकात हैं वो हलाल होने की बुनियाद पर हैं। अगर मियां बीवी के अंदर हलाल का रास्ता खत्म हो गया तो फिर वलदुल हराम पैदा होंगे। इसलिए हजरत थानवी कुद्दस सिर्रहु ने मुसलमानों को मशवरा दिया, जैसे लाइसेंस पासपोर्ट रिन्यूअल करते हैं खुद अपनी बीवी से निकाह 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में आप तजदीद निकाह करें, रिन्यूअल करें, ताकि मियां बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो हराम होकर बच्चे हराम पैदा ना हो। और जैसे हदीस पाक में सरवर कौनैन आका जो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा कि खाविंद अपनी बीवी से जिना करेगा। किन वजूहात से निकाह डाउटफुल हो जाता है, निकाह टूट जाता है, निकाह टूटने के बाद
फिर मुलाकात करना और बच्चों का होना ये गैर शरी हराम हो जाता है। बहुत अहम तरीन उन्वान है, मैंने आपको पहले भी बताया उन्वानात जो हम मुंतखब करते हैं सिर्फ उनकी भड़केली सुर्खियों की बुनियाद पर नहीं, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन जरूरत हाजत इस बुनियाद पर उन्वानात का इंतखाब किया जाता है। और हर उन्वान इस लायक होता है कि उस पर मुस्तकिल दो चार जुमा का बयान किया जाए, लेकिन वक्त की तंगी के खातिर मरकजी उन्वान पर फोकस किया जाता है, बकिया उन्वानात पर सरसरी बात 5-7 मिनट में कहकर खत्म कर दी जाती है। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि पूरे आलम में, पूरे दुनिया में, बिलखसूस हिंदुस्तान में और बिलखसूस अभी हालिया जो गुज़िश्ता जुम्मा बिस्मिल्लाह नगर के अंदर वाकया पेश आया, केजी हल्ली डीजे हल्ली का वाकया पेश आया, बहुत सारे हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और यक्का दुक्का छोड़कर तमाम के तमाम कैदखाने के अंदर मुकैद हैं। ये जो सूरत हाल चल पड़ी है गिरफ्तारी की, नौजवानों की पकड़ धकड़ के, हम क्या उसमें सबक हासिल कर सकते हैं और आइंदा नौजवानों के लिए लाई है अमल क्या है, कैसे इन गिरफ्तारियों से हम बच सकते हैं। चौथे नंबर पर अखबार में आदमी पढ़ता है बिस्मिल्लाह नगर के नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, केजी हल्ली केस के अंदर हमारे दोस्त चले गए, मामा चले गए, चाचा चले गए, और जैसे मुर्दे को कब्र में जिंदा कब्र में दफन करने के बाद फिर 3 दिन 10वां 40वां उसके बाद भुला बैठते हैं, क्या कैदियों को भी ऐसे भुला देना चाहिए जो आज हमारा माहौल कर रहा है, समाज सोसाइटी कर रही है, उनके बीवी बच्चे उनके माँ बाप छोड़कर कौन फिक्रें करते हैं। अखबार में पढ़ लिया, कैद कर लिया, बस बीड़ी का कच भी चल रहा है, सिगरेट का धुआं भी निकल रहा है, चाय की प्याली भी हलक के नीचे उतर रही है, क्या हमारी जिम्मेदारी है? कैद की जिंदगी कैसे होती है, आजाद जिंदगी कैसे होती है? अगर ये हम जान लेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने भाइयों को और बहनों को आजाद कराने की फिक्र करेंगे, उस ताल्लुक से हम बात करेंगे कि कैदी की जिंदगी कैसे होती है। हज़्म-ए मामूल हमने सवाल रखा था, उलमा जो नबी के वारिस हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शरीयत के मसाइल बयान करने के लिए हैं। सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी हिकमत और इल्म से नवाजा था आपको, आपकी हिकमत और फिरासत ईमानी के चर्चे पूरी दुनिया में आम थे। हजरत को पूछना चाहिए था कि मिसवाक का मसला क्या है, दाढ़ी का मसला क्या है, जुब्बे का मसला क्या है, जुमा का मसला क्या है, जोहर का मसला क्या है। हजरत की ईमानी फिरासत से इस्तेफादा करते हुए हदीस पाक में सरवर कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू फिरासत अल-मुक्तिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता। तो ये पुराने जमाने में बैंक का लाकर नहीं होता था, घर में तिजोरी नहीं होती थी, खाविन बीवी को छुपाकर, औलाद माँ बाप को छुपाकर, माँ बाप औलाद को छुपाकर जमीन में दफीने दफन करते थे गढ़ा खोदकर। वो आज खुदाई के अंदर सिक्के मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, सोना चांदी मिलता है, ये उन्हीं लोगों का दफन किया हुआ सामान है, कोई पुण्य पैदा करके नहीं लाता, कोई 20 पैदा करके नहीं लाता। एक साहब अपने घर के किसी सहन के किसी हिस्से में दफन किया और भूल गए, वो
सईदुना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह ने हिकमत और फिरासत ईमानी से आपको नवाजा है, आप बताइए कि मदफून कहाँ है, खजाना कहाँ है। उसका तो शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई आकर पूछे कि रास्ते में आ रहे थे मोबाइल बस में खो गया है या बस अड्डे में खो गया है, किसी ने उठाया है नहीं उठाया है, ये आलिम की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन औलिया अल्लाह उम्मत के खैरखा होते हैं। हजरत ने किस तरीके से इस उलझन को सुलझाया, मसले का हल पेश किया, इंशाअल्लाह वो जवाब अर्ज किया जाएगा। हजरत, कई जुमात से हम इस उन्वान को लेकर चल रहे हैं कि अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं, नबी आने वाला नहीं, रसूल आने वाला नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने सरवर कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत को खत्म कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने उनके नाइबीन को हर जगह रखा, उलमा जो हक्कानी हैं, रब्बानी हैं, खुदा से डरने वाले हैं, आखिरत से डरने वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, वो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। और मैंने बताया अल्लाह तबारक ताला का ये सिलेक्शन कायनात में अल्लाह की मखलूक में उस वक्त जो सबसे बेहतरीन हिकमत वाला, फिरासत वाला, चालाकी वाला, तकवे वाला, तहारत वाला, बुजुर्गी वाला, इस्मत और इफ़्फ़त की चादर पहना हुआ जो शख्स होता है, अल्लाह उसी को नबी बनाते हैं। जब शुएब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, आसमान के नीचे इस धरती पर आपसे बेहतर कोई नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनसे बेहतर कोई नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरवरे कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब नबी को नबी बनाया जाता है, रसूल को रसूल बनाया जाता है, इस धरती में उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उनका सीना अल्लाह की किताब को जब्त करने के लिए, महफूज करने के लिए अल्लाह सिलेक्शन करते हैं, अल्लाह मुंतखब फरमाते हैं। जैसे फरिश्तों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सेलेक्ट किया, जो फरिश्तों में सैयदुल मलाइका का मकाम रखते हैं, और पैगंबरों में अल्लाह तबारक ताला ने मखलूक में सबसे अफजल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल पैगंबर अल्लाह ने सेलेक्ट किया। उसके बाद अल्लाह ने नबी की विरासत हजरत सहाबे किराम को मुंतकिल फरमाई, तो कायनात में इन सहाबा से बेहतर कोई नहीं था। सहाबा के बाद ताबीन तबे ताबीन आए, कायनात में उससे बेहतर कोई नहीं था। ये सिलसिला कियामत तक के लिए है। आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपके स्टेट में अगर कोई आलिम बिल्ला है, मुत्तकी है, परहेजगार है, कायनात का सबसे कीमती आदमी है वो। कोई मालदार हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई फिलासफर हो सकता है, लेकिन अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतरीन शख्स जो नबी का वारिस होता है वो होता है। इसलिए जब जिम्मेदारी नबी के वारिसों को जो दी जाती है, ये वही जिम्मेदारी के है जो हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम को दी जाती है। कुफ्र के पर इनकार करना, शिर्क से पाक करना, बिदअतों से पाक करना, खुराफात से पाक करना, अमर बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जिसका मेडल जितना ज्यादा होता है, जिसका ओहदा जितना बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। एमएलए, एमपी, काउंसलर, सेठ साहब, मालदार, करोड़पति, चौधरी साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अरबपति, खरबपतियों से दुनिया भर जाए, लेकिन एक आलिम, एक नबी का वारिस, इसका मुकाबला करना दूर की बात, मदरसे के तालिबे इल्म का मुकाबला नहीं हो सकता। जो अभी नबी की विरासत के दरसगाह में कदम रखा है, वो कायनात में सबसे अफजल तरीन स्टूडेंट है, तालिबे इल्म है।
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं उनका मकाम और उनका दर्जा ये है, कफजली अला अदनाकुम, जैसे मेरा मकाम तुम में से नमाजियों का, तहज्जुद गुजारों का, मसाजिद बनने वालों का, मदारिस बनने वालों का, खानकाह बनाने वालों का, सदका करने वालों का, खैरात करने वालों का नहीं, तुम में जो सबसे अदना दर्जे का उम्मती है वो सिर्फ कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया, शराब भी पीता है, जिना भी करता है, चोरी भी करता है, नमाज जुमा की भी नहीं, ईद की भी नहीं, अदना दर्जे का, कमतर दर्जे का जो उम्मती है उसे एक तरफ रखा जाए, और नबी करीम सरवर कौनैन खातमुल अंबिया सैयदुल इंस सैयदुल जिन शाफी बेहतर साकी कौसर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को एक तरफ रखा जाए। आपने फरमाया का फजली अला अदनाकुम, वो जो शराबी तवाबी जानी दाढ़ी मुड़ा बेनमाजी ये सब कुछ गुनाह करने वाला है, उसके मुकाबले में मेरा जो मकाम है, मेरी उम्मत के उलमा का मकाम ये है। उलमाए उम्मत इसमें एक तबका अगर उलमाए सू का आ जाए, जमीन के लिए, कारोबार के लिए, दौलत के लिए, अमीरों को खुश करने के लिए अगर वो काम करता है, तो जितना ऊंचा मकाम उलमाए रब्बानी नबी के वारिसों का है, अगर गिरता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर उलमाए सू से बदतर और कोई लोग नहीं, फितना उनसे निकलता है और फितना उन्हीं के पास वापस जाकर खत्म होता है। बहुत बड़ा मकाम दिया, बहुत ऊंचा मकाम दिया, आज उलमा का अगर कोई मकाम नहीं है, नाचने वालों का, गाने वालों का, शराब पीने वालों का, फिल्मों में काम करने वालों का, ड्रामों में काम करने वालों का, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये कौम की बच्चियों को भागने का तरीका बता रहे हैं, ये कौम के लड़कों को लव मैरिज का तरीका बता रहे हैं, ये कौम की जानिया औरतों को हमल साबित करने का तरीका बता रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी नौकरियां हैं आप गौर और फिक्र करें, वकील को वकील की नौकरी, जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक चोर नहीं मिलता, जब तक कातिल नहीं मिलता, जब तक इज्जतदारी करने वाला नहीं मिलता, वकील के काले कैप के जेब नहीं भरते। जज का मामला क्या है, चोरों को सजा देना, उचकों को सजा देना, जानियों को सजा देना, डॉक्टर जब तक मरीज नहीं मिलता उसका कारोबार चमकता नहीं, पुलिस जब तक उसको हिरासत वाले नहीं मिलते, महरूस नहीं मिलते उसका कारोबार चमकता नहीं, डॉक्टर जब तक उसको बीमार डॉक्टर ले लें, जज ले लें, लायर ले लें, कोई इसके अंदर वो काम नहीं करता जो उम्मत की सुर्ख रुई के लिए, उम्मत की आखिरत के नफे के लिए, उम्मत को जहन्नम से मिटाने के लिए उनके जेबों से मतलब होता है। मैकेनिक गाड़ी को उल्टा सीधा बताकर लूटता है, कारपेंटर लूटता है, मिस्त्री लूटता है, प्लम्बर लूटता है, इलेक्ट्रिशियन लूटता है, जज लूटता है, लायर लूटता है और ऑफिसर लूटता, सब लूटते हैं, जाति मफाद है उनका। आलिम जो आलिम रब्बानी है, नबी का नायब है, अल्लाह असलुकुम अलैहि अजरा, वो आपसे अजर नहीं मांगता, वो दुनिया की भलाई देता है, वो कब्र के अजाब से छुटकारा दिलाता है, वो टूटी रात पर बिजली की तरह गुजारता है, वो हर्ज का साया दिलाता है, वो हौज़े कौसर का जाम देता है, यही तो बातें बयान की जाती है। या ये कहा जाता है इस किराब का व्यापार करो, कैसा लोहा चुकाना है, कैसा वजन को कम बता, ये सब आलिम की जिम्मे। आलिम अमानत बयान करता है, दियानत बयान करता है, सदाकत बयान करता है, शुजात बयान करता है, आलिम के रास्ते पर चलेंगे नबुवत के रास्ते पर चलने की तरह है और उसकी मंजिल मखसूस जन्नतुल फिरदौस है। मेरे रब की इज्जत और जलालत की पसंद, मुसलमान हम यहूदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईसाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम काफिरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुशरिकों की बात नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के अंदर दाढ़ी मुंडे ज्यादा हैं या दाढ़ी रखने वाले ज्यादा हैं,
मुसलमानों के अंदर नमाज पढ़ने वाले ज्यादा हैं या बेनमाजी ज्यादा हैं, मुसलमानों के अंदर नाच गाना देखने वाले ज्यादा हैं या ना देखने वाले ज्यादा हैं, मुसलमानों के अंदर बेपर्दा औरतें ज्यादा हैं या बापर्दा औरतें ज्यादा हैं, मुसलमानों के अंदर हलाल खोर ज्यादा हैं या हराम खोर ज्यादा हैं। ऐ दाढ़ी मुड़े, ऐ फिरौन के नक्श कदम पर चलने वाले, ऐ शद्दाद के रास्ते पर चलने वाले, ऐ अबू लहब के नायब, ऐ अबू जहल के नायब, ऐ उतबा के रास्ते पर चलने वाले, शीबा के रास्ते पर चलने वाले, कुफारे मक्का के रास्ते पर चलने वाले और मुनाफिकीन मदीना के रास्ते पर चलने वाले, मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, जिस वक्त तूने उस तरह दाल पर लगाया था, लगता था आसमान फट जाता, आग उगलती, जमीन में जलजला आता और दरिया के अंदर तुगयानी आती, सैलाब आता, पानी आता, कौमी नूह की तरह मामला होता, अल्लाह कौम को नेस्त नाबूद कर देता, अल्लाह कहता कि तुम तो दुनिया में ये वादा कर कर आए थे, नबी की मानेंगे, कुरान की मानेंगे, हदीस की मानेंगे, आखिरत को सुधारेंगे, कब की ये बेंगलोर, ये हिंदुस्तान, ये दुनिया तहस तहस हो जाती, जिस आलिम को गिरी हुई निगाह से देखते हो, जिस मुल्ला को मजाकिया अंदाज में मुल्ला कहते हो, मौलवी कहते हो, जिस समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुत्ते का मेंटेनेंस, जो लोग कुत्ते को पालते हैं, माहाना उनका जितना खर्चा आता है उससे कम खर्चा इमाम को दिया जाता है, मस्जिद को दिया जाता है, तुम इमाम को अब गिरा लो निगाहों से, उसका मकाम गिरा लो, मस्जिद का मकाम गिरा लो और उजबा शीबा के रास्ते पर चल पड़ो। ये जमीन फटने से बची हुई है, कयामत वफा होने से बची हुई है, अल्लाह का अजाब आने से बचा हुआ है, तो जाओ किसी मकतब के अंदर देखो, किसी मदरसे के अंदर देखो, जो माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, कबीले को छोड़कर, खेलों को छोड़कर, लड्डू और पतंग के खेल को छोड़कर, क्रिकेट और फुटबॉल के खेल को छोड़कर, सुबह में 10 तक वो गेम देखने वाला, टीवी देखने वाला बच्चा जब 3:30 बजे उसका उस्ताद जगाता है, उठो उठो अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का अजाब आसमान दुनिया तक आ चुका था, करीब था कि धरती फट जाती, करीब था कि आसमान फट जाता, आग के गोले बरसते, मुसलमानों का वजूद ऐस ऐस हो जाता, लेकिन तेरा मेरा बच्चा, यतीम बच्चा, बेवा का बच्चा, कौम के गरीब का बच्चा, सर्दी की कड़कड़ाहट की सर्दी के अंदर जनवरी में, दिसंबर में, कश्मीर में, दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, जहाँ सर्दी -10 डिग्री तक पहुँच जाती है, उठकर ठंडे पानी से वजू करता है और जब वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अल्लाह कहते हैं अजाब के फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों वापस आ जाओ, जिस धरती पर मेरा कुरान पढ़ा जाएगा, मेरा जिक्र किया जाएगा, मेरे महबूब पर दरूद पढ़ा जाएगा, उस बस्ती में अजाब नहीं आ सकता। डॉक्टर नहीं बचा रहा है, लायर नहीं बचा रहा है, ये तालिब इल्म 3:30 बजे 4 बजे उठकर जो कलाम पाक पढ़ रहा है उसकी बरकत से अल्लाह ताला अजाब के फरिश्तों को वापस बुला रहा है। चंदा वाला आए, अबू सब कम तनीरा चेहरे के अंदर चुर्रियां लाओ, खाना बच जाए पट्टी में डालने के बजाय मदरसे को देकर भेजो। कौन मदरसे का पहला ख्याल करता है? आलिम की कदर क्या है? इमाम की कदर क्या है? आज मीडिया का दौर है, जुमा के बयान के अंदर ईमान ताजा होता है। देखो प्याले के अंदर जो कई एकड़ जमीन है, इमाम हरम को बुला लिया जाए, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतीबों को बुला लिया जाए, अल्लाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जिंदा कर दें, वो भी आ जाए, मुजद्दी अल्फसानी आ जाए और पीराने पीर आ जाए, ख्वाजा अजमेरी आ जाए, फरीदुद्दीन गंजशकर आ जाए, निजामुद्दीन औलिया आ जाए, कासिम नानोत्री आ जाए, मौलाना इलियास साहब आ जाए, प्याले गिरोन के अंदर एक बयान रखा जाए, दाढ़ी पर, नमाज पर, आखिरत पर, तेरे अल्लाह की कसम, जुम्मा के दिन अल्लाह के घर में जो मामूली बयान होता है, ऐसे करोड़ों लोग जमीन से उठ कर आकर औलिया, अतकिया, अब्दाल, हत्ता के फरिश्ते भी तकरीर करे, जुम्मा का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 225 पैगंबरों को ना देकर अल्लाह ने जुम्मा नबी को
दिया, मस्जिद की कदर कीमत कहाँ लाओगे, जुमा की अजमतें कहाँ लाओगे, मस्जिद के अंदर जो बैठ कर खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, वो कहाँ से लाओगे। सैटेलाइट फेल हो सकता है, नासा फेल हो सकता है, इंटरनेट फेल हो सकता है, घर में आने वाले चैनल फेल हो सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इस्लाम को चलाने के लिए इस्लामी चैनल नहीं दिया, सैटेलाइट नहीं दिया, इंटरनेट नहीं दिया, एक फिजवी तरीका दिया, और उसके अंदर जुमा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के अहवाल जुमा के अंदर लाया करते थे। माँ बालो कौमी जब अलूना कजा व कजा, कौम को क्या हो गया है कि कौम ये काम करती है और ये काम करती है। जब किसी मासीयत को देखते और जब किसी बुराई को देखते, सहाबी फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक जो आपके मुंडे पर पड़ी भी रहती, उंगली आसमान की तरफ करते, बगल की सफेदी सीने की चमक को हम देख लेते, और सहाबा ऐसे नबी का खुतबा सुनते कि परिंदे सरों पर आकर बैठ जाते, और उनको ऐसा लगता कि जन्नत की नदियों के अंदर वो गोता मार रहे हैं, वो ऐसा लगता आप एक कौसर पी रहे हैं, ऐसा लगता अर्श के साए के मजे ले रहे हैं, ऐसा लगता कि जन्नत के झूलों के अंदर झूल रहे हैं, ऐसा लगता कि हूरों और ईमान के नगमों के मौज तले उनके बैनर तले वो मजे ले रहे हैं, लज्जत हासिल कर रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमा के खुतबात की शान थी। मुझे बताओ उम्मत के अंदर आखिरी मरहले के अंदर इस्लाह का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ये सोच कर के गुनहगार भी आ जाता है, सूदखोर भी आ जाता है, हरामखोर भी आ जाता है, जानी भी आ जाता है, चोरों का गुलाम भी आ जाता है, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला भी आ जाता है, ये सोच कर जुमा के अंदर असल जो अरबी खुतबा था वो मिजाज नबूवत और मिजाज इस्लाम का उसको वर्जनालिटी में रखकर तर्जुमे के तौर पर तमिल जुबान में, तेलुगु जुबान में, इंग्लिश जुबान में, उर्दू में, हिंदी में आवाम की आमद का फायदा उठाकर जुमा में बयान किया जाता है। इस जुमा के स्टेज के अलावा कहाँ ईमान की बैटरी चार्ज होती है, कहाँ नमाजों की मोहब्बत पैदा होती है, कहाँ दुनिया की हिफाजत दिल में पैदा होती है, कहाँ जहन्नुम का खौफ पैदा होता है, कहा जन्नत की तलब पैदा होती है। एक आखिरी प्लेटफॉर्म था जुमा का, ये देख रहे हो नजारा कितने लोग हैं और कितनी मस्जिदों के अंदर सिर्फ अरबी खुतबा और नमाज पढ़ा कर भेज दिया जाता है। अब कौम कह रही है हम अल्लाह के अजाब को भुगतने के लिए तैयार है, हम खुदा के कहर को बर्दाश्त कर लेंगे, हमें सही खानों के अंदर डाला जाए, हमें टाढ़ा लगाया जाए, हमें खोटा लगाया जाए, हमें सोने दिया जाए, नावत वाली बीवी की बदबूदार पसीने की बू सुनकर हम फजर नहीं पढ़ेंगे, अस्सलात तो खैरुम मिन नौम का जवाब नहीं देंगे, हम हय्याल सला हय्याल फला का जवाब नहीं देंगे, और हम जो बात बरसों से कहते आए थे पिछली जुमा बेंगलोर का जो सालार अखबार निकलता है उसके अंदर उन्होंने लिखा जुमा का वक्त शुरू होने के बाद ये सेकेंड जमात वाले आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बीवी के लिए ताजमहल बन रहे हैं या अपनी औलाद के लिए लाल किला बना रहे हैं या फ्रांस की और दूसरी स्विस बैंकों के हाथों के अंदर पैसे जमा कर रहे हैं, ये दुकान किसके खुले हुए हैं, गणेश नाम के आदमी के नहीं, राम लखन के आदमी के नहीं, लक्ष्मण नाम के आदमी के नहीं, कोई अब्दुल्ला है, कोई उसके अंदर याकूब है, कोई यूसुफ है, कोई फुला है। मसला साफ लिखा हुआ है कि जुमा का वक्त शुरू होने के बाद हलाल कारोबार भी हराम हो जाता है, सुअर के पेशाब की तरह हो जाता है, कुत्ते के गोश्त की तरह हो जाता है, जंजीर के पखाने की तरह हो जाता है। मुसलमान कहता है हमें नमाज की जरूरत नहीं, हमें जुमा की जरूरत नहीं, हाँ हाँ हम कुत्ते का पेशाब पी लेंगे, हम सुअर का पखाना खा लेंगे, हम हराम के लुक्मे खा लेंगे, लेकिन तुम्हारी मस्जिद को हम नहीं आएंगे, अल्लाह के दुलावे पर हम लब्बैक नहीं कहेंगे। एक किसकी होटल खुली हुई है, एक किसका बिल्डिंग का दुकान खुला हुआ है, एक किसकी दर्जी की दुकान खुली हुई है, ये किसका अजाम की दुकान बनी हुई है। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जुमा के दिन इत्र लगाना सुन्नत है, मस्जिदों के अंदर जो इत्र बेचा जाता है वक्त के बाद बेचना वो इत्र भी बराबर है, वो पेशाब भी बराबर है। क्या है हमारा रिश्ता जुमा के बयान के साथ।
हलाल हराम की तमीज, छोटे बड़ों का अदब, दीन की अहमियत, आखिरत का डर, वरना ये दुनिया हमें तबाह करके रख देगी, बर्बाद करके रख देगी। दाढ़ी मुड़े क्यों ज्यादा हैं? जुमा में आते नहीं बयान के लिए? सूदखोर, माटी केच पर घर देकर अपनी माँ से 36 मरतबा जिदा करने वाले क्यों ज्यादा हैं? आपके महल्ले में किराए पर घर दिया जाता है, दुकान दिया जाता है, फैक्ट्री दी जाती है, या एक माटी केच पर दिया जाता है? माँ के साथ बलात्कार करने की जो आवाज खत्म हो चुकी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के दाढ़ी के बाल निकाल कर पेशाब की नाली में डालना आम हो चुका है। बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, खड़े होकर पेशाब कराना, बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी मनाना, बैरों की नकाली करना, ये आम हो चुका है। जब सुनोगे नहीं दीन की बात, जब सुनोगे नहीं कुरान की बात, जब सुनोगे नहीं हदीस की बात, कुरान कहता है अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा क़ारिऊन, तुम भाग कर जाओ, हम तुम्हारे पीछे पैगंबर लगाएंगे, तुम्हारे पीछे नबी के वारिस लगाएंगे। ये तबाही बर्बादी, जुमा की अहमियत को हमने जाया कर लिया। सवालात पैगंबरों ने जुमा को मांगा था, अल्लाह ताला ने कहा पैगंबरों में जो सबसे अफजल पैगंबर हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबसे अफजल दिन सैयदुल औलिया, सैयदुल अतकिया, सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल मलाइक, सैयदुल इंस, सैयदुल जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा कि सैयदुल अय्याम भी हम उनको देंगे। हमारे पास संडे की कदर कीमत है, हफ्ते की कदर कीमत है, बीवी के यौम पैदाइश की कदर कीमत है, शादी की सालगिरह की कदर कीमत है। क्या आज देखने को मिल रहा है? क्या देखना बाकी है? मुसलमान औरतों की इज्जत और आबरू को दांव पर लगाया गया, नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, टांडा डाला गया, कोटा डाला गया, जुल्म सितम हर दिन। अब तो खबर देखना है तो ये देखना कि आज मॉब लिंचिंग नहीं हुई, आज किसी औरत की इज्जत आबरू पर हाथ नहीं डाला गया, या ये खुशखबरी तीन होता था दो हो गए, दो होता था एक हो गए। कौन सा दिन जा रहा है जिस दिन के अंदर मुसलमानों की रुसवाई ना की जा रही हो, इस्लाम की रुसवाई ना की जा रही हो, नबी की तौहीन ना की जा रही हो, हरमैन शरीफ पर मसाजिद मदारिस खानकाहों की तौहीन ना की जा रही हो? बताओ, आज का अखबार देख लो, आज की न्यूज देख लो, आपको बुरी खबर जब तक नहीं मिलेगी खाना हजम नहीं होगा। सुनते सुनते आदत हो चुकी है, आबरू लूटी गई, कोई मुर्तद हो गया, कोई लड़की गैर के साथ भाग गई, नाम क्या फातिमा आयशा, ये क्यों हो रहा है? मरने के बाद कब्र में जाना नहीं, आलम आखिरत नहीं है? अल्लाह के दरबार के अंदर अदालत को कायम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? उतबा रखते हैं, हमारा पावरफुल मीडिया है, कैसे चापलूस उलमा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो कमेटी की तारीफ करे, वो चंदा बढ़ा कर दिलाए, वो दाढ़ी मुड़ा सेक्रेटरी हो, वो अपने बेटे की शादी में जहेज की शक्ल में पाखाना लेने वाला मुतवल्ली हो, पैलेस ग्राउंड के अंदर बफे सिस्टम के अंदर बेहयाई के साथ कुत्ते सुअरों जानवरों की तरह फिर फिर कर खाने वाली शादी कराने वाला मुतवल्ली हो, मुतवल्ली साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, सेक्रेटरी साहब अच्छे हैं, मुसलमानों तुम बड़े अच्छे हो, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, जुमा की अहमियत नहीं है, फजर की अहमियत नहीं है, नमाज जैसी इबादत जो कुफर और इस्लाम में फर्क करने वाली चीज है, फातिहा को छोड़ो, उर्स को छोड़ो, कबाली को छोड़ो, मजारों के आदरी को छोड़ो, झंडा लगाने को छोड़ो और मजार के ऊपर खिलाफ लगाने को छोड़ो, मुरीदीन को छोड़ो, मुसावरों को छोड़ो, मुजावरों को छोड़ो, शेखों को छोड़ो, नमाज तो फर्ज है, मानते नहीं मानते? नमाज का कितना नाजुक मसला है, सबसे हल्के दर्जे में सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
एक नमाज के छूटने पर औरत ने छूटा उसको, मर्द ने छोड़ा उसको, गिरफ्तार किया जाए, तीन दिन तक उसे नमाज की अहमियत बयान की जाए, नमाज कदा कराई जाए, मानता है तो मान ले, अगर नहीं मानता तो फरमाते हैं कि कुफर उसने किया और ईमान से खारिज हो गया, जिसकी वजह से मुर्तद होकर बीवी हाथ से निकल गई। सख्त तरीन मामला है। हनफी शाफी का इख्तलाफ, देवबंदी बरेलवी का इख्तलाफ, जमात इस्लामी तबलीग का इख्तलाफ, मारो गोली। जमात इस्लामी वाले नमाज नहीं पढ़ते, तबलीग वाले नहीं पढ़ते, देवबंदी नहीं पढ़ते, बरेली कौन नमाज का इनकार करेगा? एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गालिबन पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक ताला ने हर मखलूक की तस्बीह को रखा है, परिंदा भी तस्बीह करता है, कौवा भी तस्बीह करता है, मैना भी तस्बीह करता है, गली का गधा भी तस्बीह करता है, घोड़ा भी तस्बीह करता है, शेर भी तस्बीह करता है। कहते हैं कि बिल्ली तस्बीह करते हुए कहती है, और बिल्ली जैसे जानवर, अल्लाह हमें गधा नहीं बनाया, तेरी बाकी है अल्लाह। गधा कहता है, अल्लाह हमें कुत्ता नहीं बनाया, तेरी बाकी है अल्लाह। कुत्ता कहता है, अल्लाह मुझे सुअर नहीं बनाया, तेरी बाकी है, तेरी तकदीर है, तेरी दाद है, तेरी हमद है। सुअर अल्लाह की तारीफ में कहता है, अल्लाह मुझे गंदगी खाने वाला बनाया, बुरा जानवर बनाया, नजीसुल आइन बनाया, मेरा लुआब, मेरा पसीना, मेरी हड्डी, मेरे जिस्म का खून का खतरा, मेरे जिस्म की खाल नजीसुल आइन है, नापाक है, मान लिया, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे बेनमाजी ने बनाया। कुत्ते से बदतर है, सुअर से बदतर है, किंदीर से बदतर है। क्या हाजिरी है फजर की नमाज के अंदर, जब सुनोगे नहीं, कानों के अंदर रुई डाल लोगे, कौम नूह की तरह, जालू असाबियाहू की आजानिहिम वस्तक्षौ सियाबहुम। मुल्ला हम फिल्म में काम करने वाले के डायलॉग सुनेंगे, आज नहीं सुनोगे, जो केजी हल्ली डीजे हल्ली के मुसलमान कैदी हैं, उनको पूछो कितने बजे उनको जगाया जाता है, बैतुल खला साफ करने के लिए दिया जाता है, हाथ में झाड़ू दी जाती है, 4:30 बजे 5 बजे अलार्म बजती है, और उस पर एक काफिर जो है पुलिस वाला और कैद खाने का मुहाफिज उनके पाखाने की जगह डंडा लगाकर कहता है, तू पेशाब साफ कर, आज बिस्तरों से सही तालीम अस्सलात तो खैरुन मिनन नौम की निदा लगाई जाती है, सदा लगाई जाती है, आज तो कानों के अंदर रुई रखा हुआ है, आज जुमा के बयान मुफ्त में मिल रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला मदीने तैयबा में नबी के मेजबान अव्वल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा आए, हर मदीनी खानदान ने, हर मदीने तैयबा के घराने वालों ने कहा, हमारे घर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट जहां बैठ जाए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला के घर में ऊंट बैठा, सबसे पहली मेजबानी का शर्त अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला को दिया गया। वो अबू अय्यूब अंसारी 80 साल के उम्र में फ्लाइट नहीं थी, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं थी, कार नहीं थी, डीलक्स कोई सवारी नहीं थी, ऊंट पर बैठकर मुल्क से शाम को जाकर एक हदीस लेने के लिए जाते हैं और फरमाते हैं, मैं हदीस लेने के लिए तुम्हारे दर पर आया हूँ। खड़े खड़े दरवाजा खिटखिटा कर हदीस लेते हैं। गालिबन हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला के पास हदीस होती है, फिर मदीने तैयबा चले जाते हैं। आज जन्नत के मनाजिर जुमा में दिखाए जाते हैं, आज जहन्नम के खौफनाक मनाजिर जुमा में दिखाए जाते हैं, आज गैरों की साजिशें मक्कारियां आज जुमा के खुतबे में दिखाए जाते हैं। कौन है सुनने वाला, कौन है मानने वाला? फिर कल कहोगे अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह का कहर आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल के अंदर डाल दिया। ऐसे मस्जिदों की बेहुर्मती करते रहोगे, अल्लाह का अजाब आएगा नहीं आएगा? हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के जो नाइबीन उलमाए किराम है, अल्लाह ने इनको वो मकाम वो दर्जा दिया है। हदीस पाक में आता है, तुम करो ना करो, कयामत के दिन जब नंगे उठाए जाओगे, ये मेरे अल्फाज, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत को याद करोगे। आलिम कौन था, आलिम का मकाम क्या था,
عالم کا درجہ کیا تھا، امام کا درجہ کیا تھا، مؤذن جس کو حفاظت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مرے ہوئے باپ کی پیانٹ اس سے اتروائی جاتی ہے، اس کا استنجا، اس کا پاخانہ صاف کرایا جاتا ہے۔ جو قوم بلال کے نائب سے بیت الخلا صاف کرانے کا کام لے، مرے ہوئے میت کے جسم کو صاف کرانے کا کام لے، بنگلہ تو لے گا، کوٹی تو لے گا، فیکٹری تو لے گا، تجوری تو لے گا، اس کے زیورات، اس کا مانو متا جو رو لے گی، پاخانہ نبی کا نائب، بلال کا نائب وہ لے گا۔ آج تو کیا جانے مؤذن کی قدر، مؤذن کا مقام۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ ننگے اٹھیں گے قبروں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائے گا، حضرت اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گا، اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے عین المؤذنون، کہاں ہے میری صدا لگانے والے، کہاں ہیں حی علی الفلاح کہنے والے، کہاں ہیں حی علی الفلاح کہنے والے، کہاں ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہنے والے، کہاں ہیں میرے دھرتی کا وہ مظلوم طبقہ کہ مسجد میں جالا لگتا تھا تو اس کی توہین ہوتی تھی، پاخانہ بلاک ہوتا تھا، اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کہاں ہیں مردوں سے مردوں کی صفائی کرانے والے، مسجد کی صفائی کرانے والے، بیت الخلا اور گنجا خانہ جس مؤذن سے صاف کرانے والے۔ اے مؤذنوں، متولیوں نے تمہاری عزت نہیں کی، کمیٹیوں نے تمہاری عزت نہیں کی، قوم نے تمہاری عزت نہیں کی۔ آج حضرت ابراہیم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے مؤذنوں آؤ، میں تمہیں ہاتھ سے لباس پہناؤں گا اور عرش کے نیچے تمہاری دعوت ہوگی۔ اذان پچھلے کسی قوم میں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی گھنٹہ بجاتا تھا، کوئی طبلہ بجاتا تھا، کوئی سارنگی بجاتا تھا، کیا ہے وقار، کیا ہے عزت ایک مؤذن کا، ایک امام کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کی گردن کو اونچا کیا کریں گے، جس کی کوئی عزت نہیں، جمعہ کی کوئی عزت نہیں، نماز کی کوئی عزت نہیں، عالم کی کوئی عزت نہیں۔ ہاں ہاں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کو کہا جائے گا، اپنے خاندان کے یا جان پہچان کے 10 ایسے گھرانے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تم اپنی شفاعت سے ان کو جنت میں لے جا سکتے ہو۔ اور دامن پکڑو یہ میلے کا، کافروں کا، مشرکوں کا، چماروں کا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کا، قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ حافظ کتنا دم خم رکھتا تھا۔ علماء 40 گھرانوں کو جن پر جنت جہنم واجی تھی ان کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ ان کی عزتوں سے وابستہ ہونے سے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، ہماری قبر کی زندگی بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو کہیں گے آپ نے کوئی نیک نام نہیں کیا، برائے مہربانی آپ جہنم میں جائیں۔ وہ روتا پڑتا گڑ گڑاتا اللہ سے کہنے لگا اللہ معافی دے دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کہیں گے یہ دنیا نہیں ہے، کافر بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہودی بھی اٹھا رہے ہیں، نصارہ بھی اٹھا رہے ہیں، یہ دنیا نہیں، یہاں کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کسی عالم سے محبت کیا کرتے تھے، اس کے چہرے کو دیکھنا مجھے دیکھنے کے برابر تھا؟ نہیں، اللہ کسی عالم کی میں نے محبت نہیں کی، کھڑبٹوں سے میرا تعلق تھا، اے سی پی کو جانتا تھا، ڈی سی پی کو جانتا تھا، کمشنر کو جانتا تھا، ایم پی کو جانتا تھا، چودھری نئی کام نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کبھی محبت سے بلا کر دسترخوان میں کچھ کھلایا ہے؟ اللہ وہ بھی نہیں ہوا۔ کبھی اس کے دسترخوان پر کھایا ہے؟ اللہ وہ بھی نہیں ہوا۔ کہا یہ 70-80 سالہ زندگی میں کبھی ایک آدھ مرتبہ کسی عالم کو دیکھ کر رحم کیا، کرم کیا، محبت کی نگاہ کر، اللہ وہ بھی نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ایسے آدمی کو جانتا ہے جو آدمی عالم سے محبت کیا کرتا تھا، عالم کے دسترخوان میں بیٹھا کرتا تھا،
आलिम के खाता था, आलिम को खिलाता था, क्या उसको तू देखा है और उससे तू मोहब्बत करता है? वो कहेगा हाँ अल्लाह मैं ये किया करता था, मैं तो डायरेक्ट नहीं किया, मेरा एक दोस्त था, इमामों से मोहब्बत, मौजिनों से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत। कहा आलिम का मकाम ऊंचा, उससे जो मोहब्बत की निगाह से देखने वाला है वो भी अपनी अंदर इतनी अजमत रखता है जो उसको देखा उसे भी जन्नत का परवाना। नबियों को टुकराने का जो अंजाम होता है, जुमा को टुकराने वालों, मदारिस को इकारत की निगाह से देखने वालों, क्या अंजाम होता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब इत्तला दी गई, इत्मान हुज्जत हो गया, आप कश्ती बनाए, लोग मजाक करने लगे, ये कश्ती बालू में चलेगी, रेत में चलेगी, पीने को पानी नहीं, तूफान की बात कर रहे हो। आज लोग कहते हैं उलमा का दबाव सट किया गया है, ये पुरानी बातें करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, कौम के लोगों ने यही कहा, उसके बाद हमेशा उसके पहरे में थोड़ी लगा रहते थे, वो उसको बनाते भी कश्ती, कारोबार जो करना वो करते, घर जो देखना देखते, दावत तबलीग जो करना करते, तो हमेशा थोड़ी रहते थे। तो काफिरों ने प्लान बनाया कि इस कश्ती में जाकर पाखाना करो, इसको गंदा कर दो। सारे नबी के दुश्मन, उलमा से इनाद रखने वालों, दाढ़ी मुंडों से मोहब्बत करने वालों, सूदखोरों से मोहब्बत करने वालों, फिल्मी दुनिया को अपना आइडियल बनाने वालों, कई की मौत अल्लाह ताला देता है, पाखाना आकर कर सारी कश्ती को गंदा कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने उसके बदले में जो लोग पैखाना करते थे, गंदगी करते थे, उनके जिस्म में कुत्ते की खारिश को पैदा कर दिया, यहां गुजा रहे हैं, यहां गुजा रहे हैं, नीचे गुजा रहे हैं, ऊपर गुजा रहे हैं। अब गलाजत तो जम गई, एक आदमी को पता नहीं था कि साहब ये मामला है, वो गया, उसे भी छोटे दर्जे में खुजली थी, वो पाखाना जो किया तो वहां जोर से उसके जिस्म पर पाखाना लगा, नतीजा ये हुआ कि उसकी खारिश चली गई। उसने समझा कि पाखाना लगने से खारिश गई, वो असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल होने से उसकी बरकत से उसकी बीमारी दूर हो गई थी। उसने समझा कि साफ पाखाना लगने की वजह से बीमारी दूर हो गई, और उनके लोगों को कहा कुत्ते की खारिश में मुब्तला हो एक काम करो, नूह अलैहिस्सलाम रात में इबादत के लग जाए, अपनी इंफिरादी इबादत के अंदर लग जाए, जिक्र अज़कार में लग जाए, हम तमाम जाकर पाखाना ले आएंगे और अपने जिस्म को लगाएंगे तो वो खारिश चली जाएगी। अल्लाह ताला ने उनके जहन के अंदर बात डाली, वो पाखाना लेकर आए और जैसे जैसे अपने जिस्म को लगाते उनकी खारिश बढ़ती गई, हत्ता कि उसी पाखाने में तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। नबी के साथ नबी की तौहीन करने वालों का जो अंजाम है, उलमाए हक्कानी, उलमाए रब्बानी, अल्लाह के वली, अल्लाह के बुजुर्ग बंदे, अल्लाह के मुत्तकी बंदे, अल्लाह ने मिसाल बताई, उसके पाखाने में लखपत होकर, कुत्ते की खुजली में मुब्तला होकर अंतिम संस्कार उसका होगा और उसका जनाजा निकलेगा। दो आदमी थे बड़े सरकश थे, उन्होंने कहा यहां तो रेतीली जमीन है, यहां कहां पानी बरसेगा। वो कार के अंदर गए, कार के मुंह को बंद किया, खाना पीना कई दिन का लेकर गए। अब जब तूफान नूह आया, ठंडी हवाएं चली, ठंड में इंसान को पेशाब होने लगता है, तो एक आदमी ने इस्तंजा किया, वन थर्ड एक तिहाई हिस्सा पेशाब से भर गया, दूसरे ने किया पौना भर गया, तीसरे ने किया सारा गार भर गया। बाहर आए तूफान नूह का अजाब, अल्लाह ने कहा पैगंबर के खिलाफ जाने वाले, पैगंबर की दावत का इनकार करने वाले, पैगंबरों की तौहीन करने वाले, तुम्हारे मुंहों में लिड़ाकर तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। वो पाखाने में लथपथ होकर मरे, और ये दोनों लोग जब पेशाब गार के अंदर भर गया उसमें डूब कर मर गए। पैगंबरों से ताल्लुक हो, पैगंबरों के नाइबों से ताल्लुक हो, उलमाए हक्कानी रब्बानी से ताल्लुक हो। एक बुढ़िया थी, उसने कहा रसूल अलैहिस्सलाम को, बेटा अजाब आ जाए, अल्लाह का कहर आ जाए, पानी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं तेरी कश्ती में सवार होंगी, मुझे बता देना। बुढ़िया एक्सटेंशन इलाके में
जंगल के इलाके में तन्हा रहती थी। हजरत नूह अलैहि सलाम ने कहा अम्मा जान याद होगा तो बता देंगे। चुनाचे तूफान आया, तूफान चला भी गया, कश्ती जाकर काबे का तवाफ भी कर ली, बचकर लोग आ गए और आबादियों में रहने लगे। नूह अलैहि सलाम ने कहा ऐ अल्लाह, उस औरत को कहना था, मैं कहना भूल गया और उसे कश्ती में सवार करना भूल गया। वो मामूली झोपड़ी में रहने वाली देवा गरीब औरत, लेकिन पैगंबर से मोहब्बत करती थी, पैगंबर से ताल्लुक रखती थी। जुमा को क्यों नहीं आए? काम था। कमीने कुत्ते, सुअर की खिंजीर के बच्चे, जुमा से बढ़कर कोई काम है? जुमा के दिन हलाल कारोबार हराम हो जाता है। नमाज से बढ़कर कोई काम है? और फजर से बढ़कर और कुरान की आयतों से बढ़कर क्या चीज है? बता, काम है साहब, जुमा से बढ़कर काम, इबादतों से बढ़कर काम, क्या सोच है तेरी? अंजाम देख ले। नूह अलैहिस्सलाम बुढ़िया के घर गए, देखा, आपने सोचा होगा कि बुढ़िया तूफान नूह के अंदर झोपड़ी, बड़े पहाड़ में रहने वाले पेशाब में डूब कर मर गए, बाखाना खाकर मर गए। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पर चढ़कर मर गया, ये झोपड़ी कैसे बचेगी? अल्लाह माफ करना, अल्लाह माफ करना, मैं तो भूल गया। लेकिन जब दूर से झोपड़ी नजर आई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिलासा हुआ कि चलो यहाँ कोई आबादी तो है, कोई रहने वाले, गए सलाम किया तो वो बुढ़िया आई लकड़ी से सहारा लेते हुए और कहा नूह बेटे अजाब आ गया, तूफान आ गया, कश्ती में बैठ जाए। अम्मा जान अजाब आया भी, चला गया भी, कश्ती ने काबे का तवाफ भी कर लिया, आबादी भी बच गई। तो बुढ़िया कहने लगी मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, एक कतरा पानी मेरी झोपड़ी में नहीं आया। उलमा से जुड़ने वालों पर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल है। सहाबा नबी से जुड़ा करते थे, अब नबी आने वाला नहीं, नबी के नायबों से जुड़ना पड़ेगा, अकीदत रखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बीमारियों की वजह से, कर्ज के दबावों की वजह से, परेशानियों की वजह से हम उलमा से दूर हुए। हम कहते हैं ये दूरी की वजह से ये कर्ज की बीमारी पैदा हुई, ये जोड़ो ना फरमान पैदा हुई, ये औलाद ना काम बनी, ये मुकदमा बना जमीन का, ये झमेले आए। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अपने नफ्स को, अपने दिल को आखिरत के लिए लगा दे, तेरे दुनिया की उम्र की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। उलमाए किराम से जुड़ेंगे, कितने फायदे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामिस अपनी बीवी से हराम के बच्चे पैदा करेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया है। तुम्हें जुम्मा के बयान से दूरी या ऐसे अरबी खुतबे, अब देखो एक उर्दू बयान वाला मजमा है, 3 बजे यहाँ इसी मस्जिद में जमात होती है, बाहर खड़े होकर देखना ये तादाद ज्यादा है या वो तादाद ज्यादा है। अजान के बाद जुम्मा का वक्त 12:31 पर शुरू होता है, वो क्या कर रहे थे, वो कौन से सैनियों को छुड़ा रहे थे, वो कौन सी माँ के कदमों तले जन्नत उसको हासिल कर रहे थे, वो कौन सा जन्नत का दरवाजा बाप उसका दीदार कर रहे थे, दुनिया के पीछे पड़े हुए थे, हराम का कारोबार कर कर अपने बच्चों के पेट के अंदर पीप और लहू दाखिल कर रहे थे। जुड़ोगे पता चलेगा कि बीवी कब हलाल होती है, बीवी कब हराम होती है, जुड़ोगे पता लगेगा कारोबार की सरहद हलाल और हराम की क्या है। आपने फरमाया 3 तलाक दे देगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी, फिर उसके बाद शर्मा शर्मी में बीवी को अलग नहीं किया। खामिन ने बीवी से कहा मुझे माफ कर दो, बीवी ने कहा खामिन से मुझे माफ कर दो, अब हराम के पीड़े पैदा हो रहे हैं। हजरत थानवी कुद्दस सिरों ने कहा ये तो बहुत बड़ा मसला है, जुबान से छोटे मोटे ऐसे देखो, सबसे पहले बुनियादी बात यह है निकाह कायम जो रहता है इस्लाम के नेटवर्क की वजह से, इस्लाम के करंट की वजह से। मुसलमान मर्द काफिर औरत से निकाह नहीं कर सकता, मुस्लिम औरत काफिर मर्द से निकाह नहीं कर सकती। निकाह टूटता है तलाक की वजह से, निकाह टूटता है खुले की वजह से, निकाह टूटता है इन दोनों में से कोई एक मरने की वजह से, निकाह टूटता है मुर्तद होने की वजह से। तलाक की बात मालूम है, खुले की बात मालूम है, कज़ाए क़ाज़ी की बात मालूम है और मियां बीवी में कोई एक मरने की बात मालूम है, लेकिन मुर्तद होने का जो मसला है बड़ा नाजुक मसला है। सुबह सवेरे सफीर दुकान को पहुंचा, मदरसे का मस्जिद का चंदा लेने के लिए
मूड खराब था, कई दिनों से बेकार नहीं हो रहा था, उसने कहा अरे जाओ जाओ। बड़े आ गए मदरसे के चंदा लेने वाले, मौलवी लोग दाढ़ी रखकर आ जाते हैं। दाढ़ी मुड़ाना गुनाह है, दाढ़ी का मजाक करना कुफ्र है, मदरसे को बच्चे को ना भेजना गुनाह है, मदरसे का मजाक उड़ाना कुफ्र है, इर्तदाद है, नमाज ना पढ़ना गुनाह है, नमाज का इनकार करना, नमाज का तमस्कुर करना, ये इर्तदाद है। कई जुमले अपनी जिंदगी में ऐसे मर्द कह बैठता है, अरे ये दाढ़ी वालों से क्या होता है, ये मौलवियों से क्या होता है, ये अजान से क्या होता है। कभी अजान का मजाक उड़ा दिया, कभी दाढ़ी का मजाक उड़ा दिया, कभी सुन्नत का मजाक उड़ा दिया, तो इस मजाक के उड़ाने से वो मुर्तद बन गया, और मुर्तद बनने से बीवी उसके निकाह से निकल गई। जाने अनजाने, वो तो आपने सुना होगा, बच्चा पैदा हुआ, कई सालों के बाद बीवी चीख चीख कर कह रही है अल्लाह तुझे क्या मिला इस बच्चे को उठाकर, अल्लाह तुझे क्या मिला मुझे बेवा बनाकर। अल्लाह को शिकवा, अल्लाह को शिकायत, एक कांस्टेबल, एक बिच्छू, एक सांप को उतना भी डर नहीं। वो मुर्तद हो गई औरत, अब उससे औलाद पैदा करना हराम के बराबर है। जाने अनजाने में ऐसे कई जुमले इंसान कह बैठता है। मदरसे से लेट आया, रे ये मदरसे वाले क्या रे कर को मर रही, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर रही। नहीं भेजना था, नहीं भेजना था, मदरसे का मजाक, नूरानी फायदे का मजाक, नूरानी फायदे का मजाक, अंपारे का मजाक, कुरान का मजाक, सूरतों का मजाक, वही इलाही का मजाक, जिब्रील अमीन का मजाक, खुदा का मजाक, टूट जाता है इसका। उलमा से जुड़े रहोगे फायदा ये होगा, अब उसके लिए प्याले चाबी महल बुक करने की कोई जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा वलीमा करने की कोई जरूरत नहीं, एक वकील दो गवाह, छोटा सा बाहर 500 रुपए 700 रुपए मेहर किया और बुलाकर चुपके से निकाह पढ़वा लिया, रिन्यूअल करा लिया। आप अपनी जिंदगी में गौर करें, सुबह से लेकर शाम तक कई मरतबा ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं। हजरत ने कहा साल में एक मरतबा, मैं कहता हूँ आज दीन से इतनी दूरी है, हर 15 दिन 8 दिन में एक मरतबा तजदीद निकाह कराने की जरूरत है। खुदा का खौफ है, हलाली बच्चे पैदा करने का शौक है, ये करना पड़ेगा, वरना खुद अपनी जिंदगी में खंगाल कर देखो, दाढ़ी का मजाक है, सुन्नतों का मजाक है, मिसवाक का मजाक है, मस्जिद का मजाक है, मुल्ला का मजाक है, मौलवी का मजाक है। इसलिए तजदीद निकाह करना बहुत जरूरी है, वरना हराम बच्चे पैदा होंगे। मैंने बताया था इस मुल्क के अंदर जो मौजूदा हुकूमत बनी है, हालात ने करवट ली, हालात के अंदर इंकलाब आया। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लम ने जो बात फरमाई थी, मेरी उम्मत की हालत ऐसे होगी जैसे तहते पानी में सिंके की तरह, ना कांग्रेस लेने तैयार है, ना भाजपा लेने तैयार है, ना दल वाले लेने तैयार हैं, ना आजाद उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए तैयार है। जो बची कुछ इज्जत थी इस हुकूमत के आने के बाद सब कुछ चला गया। नए इंदिरा के अंदर जो बयानात होते थे उसमें का सौवा हिस्सा अगर आज कोई बयान करता है, मस्जिद से निकलने नहीं पाएगा कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने बताया कैद की जिंदगी कब्र की जिंदगी से बदतरीन होती है। यहाँ बैठकर हाथ उठाकर दुआ कर देना, अल्लाह इन कैदियों के घराने वालों में खैर बरकत फरमा, सबर फरमा, कैदियों को राहत। ये बहुत आसान है, कुछ घंटे बीवी से दूर होकर देखो, कुछ घंटे औलाद से दूर होकर देखो, कुछ घंटे मोबाइल से दूर होकर देखो, घर को कमरे को बंद कर लो और कहो मेरी बीवी नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, देखो तो सही। कोई कहता है कि बीवी के पहलू के बगैर मुझे नींद नहीं आती, छोटी बच्ची के बगैर नींद नहीं आती, बड़े बेटे के बगैर नींद नहीं आती, दो तकिए के बगैर नींद नहीं आती, ये कैद खाने में खुदा ना करे कोई जाएगा तब पता लगेगा कि बीवी की कदर कीमत क्या है, औलाद की कदर कीमत क्या है, माँ की कदर कीमत क्या है, बाप की कदर कीमत क्या है, और टाट पर जो घर के अंदर सुकून की नींद सोते थे उसकी कदर कीमत क्या है। ठंड का जमाना, आपने काफी पीना चाहा काफी मिल गई, कंबल लेना चाहा कंबल मिल गई, बनियान लेना चाहा बनियान मिल गई, और गर्मी का जमाना रूह अफजा पीना चाहा और आज फुला शरबत पीना चाहा मिल गया, कोई चीज नहीं। बंद कमरे में टॉयलेट
के पास ताला लगा दिया जाता है, उनकी जिंदगी सुबह में कैसी होती है, शाम कैसी होती है, ईद बरात के मौकों पर और खानदान की किसी शादी की जब इत्तला मिलती है सब हंसते हैं, वो खून के आंसू बहाता है कि पिछली ईद मैं बीवी के साथ और बच्चों के साथ मनाया था, माँ बाप के साथ मनाया था, अब यहाँ खाना भी नसीब नहीं है, नमाज भी नसीब नहीं है, खुतबा भी नसीब नहीं है। कुछ तो सख्तियाँ थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई की बात ऑफर रखा गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه, ऐ अल्लाह मुझे जिस तरफ वो दावत दे रहे हैं मुझे कैद खाना पसंद है, और मैं अगर होता उस जगह पर मैं कहता मैं रिहा हो जाता और तौहीद के रास्ते की कोई और मैं सभी इख्तियार कर लेता। कैद इतनी बुरी है, नबी ने फरमाया कि जो किसी कैदी को आजाद कराएगा वो कैदी को अपने चचा को भतीजे को मामा को लड़के को नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो कैद से रिहा करा रहा है। बहुत अजाब की जिंदगी है, कब्रों वाली जिंदगी है। कितने लोग हैं जो मुर्तद हो जाते हैं, ईमान को छोड़ देते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं। आपने कैद की जिंदगी नहीं देखी और अल्लाह इससे हिफाजत रखे। और जहां मुतअस्सिब तबका जेलों के अंदर पुलिस महकमे के अंदर हुकूमत के ऐवानों के अंदर हो फिर वो क्या मामला करेगा। हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। जब किस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला हो मुसलमान ये कोशिश करे कि उन लोगों को ना फोन करे, ना उनके फोन को रिसीव करे, ना उस मकाम के अंदर जाए। अब इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं रही, अदल नाम की कोई चीज नहीं रही। अब तो ये है कि एक मुस्लिम इलाके में नमाज जुमा के वक्त अजान के वक्त वो अपने गैर और अपने माबूदान बातिला की तारीफ करें तो एक मुसलमान कहता है कि भाई अजान हो रही है मस्जिद का मामला है, जरा आगे चले जाएं। करने वाले को इनाम से नवाजा जाता है, बोलने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। अब वो हालात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जिन्होंने हुकूमत की तारीफ की उनको औदों से नवाजा गया, जिन्होंने प्रेम मिनिस्टर को तबसरा किया हुकूमत पर तबसरा किया उनके औदे छीन लिए गए, उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया। और लोग कहते हैं हमारा इन्फ्लुएंस है जमीले से, एमपी से, चौधरी से, अरबपति से, करोड़पति से। ये जो बिहार का लालू है वो कह रहा था कि जब तक समोसे में रहेगा आलू उस वक्त तक रहेगा बिहार में लालू। अब कहां गया उसका नारा। एक वक्त वो था कि रेलवे मिनिस्टर था और कई मरतबा बिहार का वजीर आला वो बन चुका है, ना इंफ्लुएंस काम आने का, ना ताल्लुक काम आने का। मैं और एक बात कहता हूँ, सुनील दत्त एमपी से महाराष्ट्र के इलाके के, उनका बेटा संजय दत्त जब जेल के अंदर गया महाराष्ट्र की, एक एमपी का कितना इंफ्लुएंस होगा, एक हीरो के पास कितना रुपया होगा, कितना पैसा होगा, कुछ नहीं होता। अदालत की चार दीवारी के अंदर पुलिस होती है, मुल्जिम होता है, जज होता है, उनके फैसले होते हैं, कुछ नहीं होता। हमारे इस मदरसे के मोहतमिन और इस मस्जिद के जिम्मेदार हाफिज मुताहर साहब बार बार इन कैदियों की फिक्र करते हैं, इन कैदियों के ताल्लुक से इमदादी मुहिम चलाते हैं। अब मैंने इनको बताया जो वो चाहेंगे वही करेंगे, किसी को 7 साल रखना, किसी को 7 महीने रखना, बस उनके इरादों पर कोई पानी नहीं फेंक सकता। ना चीफ मिनिस्टर की सिफारिश चलेगी, ना क्लिंटन की सिफारिश चलेगी, ना ओबामा की सिफारिश चलेगी। जो करना है करना रहेंगे। उनके घर वालों पर जो बीत रही है, स्कूल के फीस का मसला, राशन का मसला, इस ताल्लुक से मौलाना मुताहर साहब ने आज एक बैतुल माल तामीर किया है। ये नौबतें खुदा ना करे कल हमारे घर को दस्तक दे सकती हैं। हिंदुस्तान के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। जब पहले पुलिस डरती थी कि आलिम पर हाथ डालेंगे तो क्या होगा, नौजवान पर हाथ डालेंगे तो क्या होगा, मुस्लिम महल्ले में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, मेरे आका ने फरमाया इबादतों से मोहब्बत रसूल से दूर होकर उनकी हैसियत सिंकी की तरह हो जाएगी। वो रात के 1:30 बजे 2 बजे गुस्ल की जनाबत की हालत में बगैर चप्पल के चड्डी और बनियान के अंदर, लुंगी और बनियान के अंदर वो खींच कर ले जा रहे हैं। मुसलमान देखता रह गया है। हालात बड़े बदतरीन है इस मुल्क के अंदर। आप किसी तहरीक के अंदर और किसी मामले के अंदर आप शामिल ना हो, अल्लाह से रुजू करें, तौबा किल्ला करें, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह ये जो हालात आए हैं, लोग कहेंगे
दारुल हमारे पास है, हमारे पास मदाहिर है, हमारे पास लखनऊ है, हमारे पास खानखा है। इससे ज्यादा बुखारा समरकंद के अंदर थे, समरकंद के मदारिस के अंदर अस्तबल को अस्तबल के अंदर तब्दील कर दिया गया, मस्जिद को सलीमा का अड्डा बनाया गया। मैं कह रहा हूँ अल्लाह की कसम खाकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, इस मुल्क का हालात, इस मुल्क का मुसलमान रशिया के बॉर्डर पर चला गया, वो कभी इमाम बुखारी की दरगाह से आला रसूल की सदाएं गूंजती थी, वो कई इराक के अंदर शाह अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्रुल्लाह से लोग बेहोश होकर गिरा करते थे। क्या इन ममालिक के अंदर वो वक्त नहीं आया कि मस्जिदों को अस्तबल में, रंडी खानों में, सनीमा खानों के अंदर तब्दील कर दिया गया, कुरान का नाम लेना जुर्म हो गया, अजान का नाम लेना जुर्म हो गया। आज अजान सुनाई दे रही है, अय्याल फलाह पर लब्बैक कहते हुए आ जाओ, आज अय्याल फलाह सुनाई दे रहा है, लब्बैक कहते हुए आ जाओ। अस्सलाम तो खैरुन मिन नौम, बिलाल का नायक आज चीख रहा है, बिस्तरे को मुदड़ कर मस्जिद की तरफ आ जाओ, कल इस अजान के लिए कान तड़पेंगे, अजान सुनने को नहीं मिलेगी, कल मस्जिद के दरो दीवार देखने को जी चाहेगा, मस्जिद का दरो दीवार का दीदार नहीं मिलेगा। हम जेल में थे, बजर के वक्त जब हवा चलती अजान की आवाज आती, खून उबल जाता, आंखों से आंसू निकल जाते। आज अजान को सुन रहे हैं, अल्लाह कोठरी में बंद है, यहीं पर कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद को देख नहीं सकते, सब में शामिल नहीं हो सकते। ये हालात हिंदुस्तान में, तुम मदारिस पर घमंड ना करो, इससे बड़े मदारिस समरकंद और बुखारा के अंदर थे, इससे बड़ी खानकाहें समरकंद और बुखारा के अंदर थी। क्या वो वक्त नहीं आया कुरान का पुर्जा मिलने पर, कुरान का एक फर्क मिलने पर, उसको जमीन के अंदर चूना डालकर उनको जिंदा दरगोर कर दिया गया। ये मुल्क तबाही बर्बादी के बॉर्डर पर है, हिंदू राज उस इस्तकबाल वेलकम करने के लिए तैयार है। अभी नमाज पढ़ लो, अभी रोजा रख लो, अभी उलमा से रुजू कर लो, अभी तौबा तिल्ला कर लो। ये कैदी की जिंदगी, एक आम इंसान की जिंदगी में उतना ही फर्क होता है जितना जिंदे और मुर्दे के अंदर फर्क होता है, बल्कि मुर्दे लाख दर्जे बेहतर हैं। सवालों का जवाब दे दिया, अल्लाह के फरिश्तों ने कहा नम कनौमतिन अरूज, तो दुल्हन की तरह सो जा, आराम से सोती है, जन्नत की खिड़की खुली हुई रहती है, मजे लेता है, तिलावत करता है, जिक्र करता है, अपने मरहूमीन जो दूसरे लोग हैं उनको याद करता है, लेकिन जेल की जिंदगी कब्र की जिंदगी से बदतर है। उलमा सुलाहा और नबी के नायक जो होते हैं, इनको अल्लाह जो हिकमत और फिरासत देता है, कायनात में किसी को वो हिकमत और फिरासत नहीं मिलती। इनके पैवन लगे कपड़ों से धोखा नहीं खाना, इनके बोसीदा मकानों से धोखा नहीं खाना। कायनात में अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा ताकतवर पावरफुल ये उलमा होते हैं। मदीने तैयबा में जब पानी का इंतजाम नहीं था, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने कुआं खरीदा, वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के नाम वक्फ कर दिया, लेकिन अभी आधा खरीदा था। एक दिन मुसलमान पानी लेते, एक दिन यहूद पानी लेते, तो एक दिन कहने लगा मुसलमान जब लेते इतना खींच लेते यहूदी के दिन में खतरा नहीं मिलता। तो यहूदी आकर कहने लगा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से मामला 50-50 हुआ था, तुम कुआं ले लो, हम पानी ले लेंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ठीक है, तुम पानी लेकर चले जाओ, ये कचरा बाकी नहीं रहना, पूरा लेकर जाओ, हम कुआं ले लेंगे। चटपटा कर रह गया, मजबूर होकर उसने कहा कि ठीक है साहब, आप जो है पूरा कुआं खरीद लें। अल्लाह हिकमत फिरासत नबी के वारिसों जानशीनों को देता है। बॉम्बे के अंदर सोनू निगम है, उसने अदालत के अंदर मुकदमा दायर किया कि मुसलमानों की असलात व खैरु मिन नौम से हमारी नींद खराब होती है। झारखंड का झोपड़पट्टी में मामूली मदरसे में रहने वाला एक नबी का वारिस, नबी का जानशीन एक आलिम ने कहा जो सोनू निगम के सर को टकला करेगा दलील करने के लिए, मैं उसे 5 लाख का इनाम दूंगा। तो जब ये खबर सोनू निगम को पहुंची जो अजान की तौहीन करने वाला है और बाद में बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया, उसने खुद अपने सर से बाल निकाल दिए और पैगाम दिया 5 लाख रुपए निकालो, आप जज से टक्कर लेकर बच सकते हैं, लायर से टक्कर लेकर बच सकते हैं,
चेन्नई के मौलाना शमसुद्दीन साहब कासमी अदालत में मुकदमा था, कहा मुझे बैरिस्टर वकील लायर की जरूरत नहीं, अल्लाह ने सीने में कुरान दिया है, नबी की हदीसों को दिया है। मुकदमा जीत कर बताया, जज से दूर गया और कहा कि शमसुद्दीन तुम किसी ये दिलवी का दोस्त तुमने किया है। लायर वो बात नहीं, आलिम जब आ जाता है जिस फील्ड में जिस मैदान में जाता है वो काम करता है। ढूंढ लिया, सकला बन गया, कहा 5 लाख रुपए दो, आलिम तक बात पहुंची। सोशल मीडिया के जरिए से उसने जवाब दिया कि तुम्हारे मोदी जी ने कहा हमारे अकाउंट में 15 लाख डालने की बात, 5 लाख तुम दे दो, बकिया 10 लाख मेरे अकाउंट में दाखिल कर, नहीं लग सकते। सईदुना इमाम आजम अबू हनीफा उलमा का जो काम होता है वो खजीने जो दफन होते हैं उसको दिखाना नहीं होता, उनके पास कोई ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस नहीं होता। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है, एक हफ्ता भर 10-18 भर के बाद आ जाना। शागिर्दों को लेकर गए जो जहीन किस्म के शागिर्द थे हजरत के, कहा कि ये घर है, ये गिरोन है, समझो ये सोने की चांदी की पोटली तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, तुम अगर इसको छुपाते इस घर में कहां छुपाते। जैसे प्रोग्रामों के अंदर पब्लिक की राय ली जाती है, सईदुल्ला इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने राय ली, सबने सबको अकेला अकेला पूछा, मिलाकर नहीं पूछा, उसने कहा यहाँ, उसने कहा यहाँ। इमाम अमनी पर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया दफीना दफन करने वाले को बुलाओ, जब वो आया तो कहा कि यहाँ खुदा तुम्हारा खजाना मिल जाएगा, और खुदा तो यकीनन वहां खजा, हालांकि आलिम की जिम्मेदारी नहीं लेकिन फिरासत इमामी हर राह के अंदर काम करती है। एक बहुत नाजुक हसास मसला है, हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो सवालात की तादाद में हैं, हर सहाबी को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाता है, लेकिन कुछ सहाबा ऐसे हैं उनसे भूल हो गई, शराब उन्होंने पी लिया। माईज़े असलमी रज़ी अल्लाह ताला उनसे औरत से ताल्लुकात की बात आ गई, फातिमा बिनत उसैद उन्होंने चोरी कर ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी भी करती, फातिमा बिन से मोहब्बत में हाथ काटा उसके भी हाथ काटो, किसी के हाथ काटे गए, किसी के कोड़े लगाए गए, किसी को संस्कार किया गया, और कोई खातून आकर कहा ताहिर नहीं या रसूल अल्लाह, क्या इन सहाबा को भी रजी अल्लाह अन्हु कहा जाएगा? और सहाबा के तकद्दस, सहाबा की तहारत, सहाबा की मासूमियत के बावजूद इतनी बड़ी भूल इनसे कैसे हो गई? अगर हम जुबान से कुछ गलत बात कह दें, मैंने कहा कि हजरात सहाबा हजरात अंबिया शायर इस्लाम के बारे में गलत बात कहें ईमान का जनाजा निकल जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। तो ये बड़ा अहम और नाजुक मसला है। इस सवाल के जवाब के साथ अगली जुमा नंदिनी लॉज के अंदर जो मस्जिद नूर इलाही है, इस सवाल के जवाब के साथ दूसरे अहम तरीन उमाना के साथ हाजिर खिदमत होंगे। जैसे कि मैंने कहा आपको बताया, मौलाना मुताहर साहब बड़े फआल और बड़े एक्टिव आदमी हैं, कैदियों के ताल्लुक से बैतुल माल कायम कर रहे हैं, जो हजरात इस ताल्लुक से